ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। मैं निजाम, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लवलीनो फाइनेंस के बारे में। हाँ, समझ रहा हूँ मैं, मुझे सब मालूम है कि इसका क्या सिचुएशन है और आप किस तरह के मोमेंट में हैं, बट आज फिर भी इसके रिलेटेड वीडियो है तो आप समझ लो कि इम्पोर्टेंट ही है, कोई ख़ास बात है, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो जो बनाए तो देखिएगा, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल करके टेलीग्राम के चैनल मस्ट फॉलो करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको और मुझे भी मालूम है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा डंप है, जरूर तो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है मार्केट, और इसका फायदा काफ़ी सारे कॉइन्स दे रहा है, ये खुद भी 1% से डंप है। हालांकि ये तो मैं 45-50 के बीच में वेट कर रहा हूँ, और आपको सबको मैंने सजेस्ट किया था 45-50 के अराउंड ही बाई करना, अभी बिल्कुल भी बाई नहीं करना है, अभी बस वेट करना है, ठीक है। बहुत ठीक है, अगर हम इसका रोड मैप देखें, काम देखें, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ और बहुत मेरे भाई भी खुश नहीं होंगे, बट फिर भी एंड दैट हमें इन्होंने प्रॉफिट दिया है, बस हमें प्रॉफिट बुक करना है। ERC के ऊपर 672 और BSE के ऊपर 95,000 से ज़्यादा इसके होल्डर्स हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पैक्ट तो जरूर इसके ऊपर छोड़ा है। लेकिन अगर न्यूज़ की बात करते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो आ रही है, तो भाई अगर हम बात करें तो सोकेन जो कि Web3 के लिए काम करता है दोस्तों, या दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा Web3 के अंदर, और कहीं ना कहीं एक बड़ी लेवल का प्रोजेक्ट बनता हुआ जा रहा है अभी, हालांकि वो भी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इसके साथ पार्टनरशिप हुआ है जो कहीं ना कहीं लवली को भी Web3 के ओर जो है मोड़ दिया है। हालांकि अगर हम बात करें सिर्फ पार्टनरशिप ही होने से वो Web3 का प्रोजेक्ट नहीं बनता है, बट कहीं ना कहीं एज अ प्रोजेक्ट एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप मान सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकता है आने वाले समय के अंदर, और कहीं ना कहीं हाइप थोड़ा सा इसका जरूर बन रहा है। अगर हम BSE के ऊपर देखें, BSE के ऊपर अभी टॉप आई थिंक क्वाइंस का लिस्ट आया था कि टॉप ट्रेंडिंग क्वाइंस, टॉप मेंशन्ड क्वाइन ऑन एक्स, तो इन सब के ऊपर ना लवलीनो का भी टॉप 10 के अंदर नाम आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो हाइप तो अभी भी ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हुआ है, हाइप भाई अभी भी इसका है, लोग अभी भी इसको जरूर देख रहे हैं एक नज़र, इसको जरूर बाय कर रहे हैं और करेंगे भी। एज अ प्रोजेक्ट, एज अ आई थिंक प्रॉफिटेबल क्वाइन के अंदर हम देखें तो इसका भी नाम है, और कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही दिया एंड द एंड, तो थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट करने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये है कि आप इसको दिल से लगा के रखोगे कि भाई अब मुझे इसको बाय कर लिया है, अब तो मैं इसको भाई होल्ड करके रखूंगा 2-4 बुल रन तक, तो भाई 2-4 बुल रन तक पता नहीं ये जिंदा भी रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो ये चीज़ें नहीं करना हमें, हमें बस इतना करना है कि अभी हमने बाय कर लिया है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। जहां एक साल के बाद हर एवरी ईयर हर एक साल में हम देख रहे हैं, पिछले अगर इसका रिकॉर्ड देखे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ट के थ्रू भी, यहां पर देखो यार, हर साल ये 2021 का पंप था, ये 2022 का पंप था, ये 2023 का पंप था, आप खुद इससे ही अंदाजा लगा लो कि हर एक साल के अंदर इसका एक हर एक साल एक एक यहाँ पर से जो है पंप दोस्तों इसके अंदर देखने को मिला है। अगर हम इसकी बात करें तो जब ये आया था है ना, तभी ये हुआ था 10वां महीना में, ठीक है, अक्टूबर के मंथ में। देन दोस्तों 2022 के अंदर भी देखो यार कब हुआ था भाई, देख सकते हो दोस्तों 8वां महीना में, देन सितंबर 8वां महीना में हुआ था। देन 2023 की अगर बात करें तो कब हुआ था भाई, ये 7वें महीने में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है हर साल के अंदर पंप हो रहा है, हर साल डंप भी होता है पंप भी होता है, तो यही था मुझे फायदा उठाना, हम सभी को इन्हीं चीज़ का फायदा उठाना है। 2022 का देखा, 2021 का देखा, 2023 का देखा, अब 2024 का देखना है जहाँ पर अच्छा खासा पंप ये कर सकता है और हमें उसका फायदा उठाना है, हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो बस इसके लिए हमें जो है अभी इसके अंदर बाइंग करके रखना है, ताकि जब ये पंप करेगा तो हम एक अच्छा खासा यहाँ पर से प्रॉफिट गेन कर सके, एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके, ये हमारा टारगेट है 50 और 45 के बीच में। अभी हमें बस वेट करना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लिस्टिंग्स हो या कुछ भी हो जाए इसके अंदर ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, तो बस वेट करो, इंतज़ार करो, 45-50 के बीच में बाय करो, और भाई अगले बुल रन तक या अगले साल फिर से एक डिसेंट प्रॉफिट जरूर बनाओगे मेरे साथ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करना दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट में, आज इतना ही, गुड बाय।